दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीपी राहुल विक्रम की सुपरविजन में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विक्रम दहिया व संदीप डबास के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम ने देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ रानी को सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस कस्टडी से फरार होने की असफल कोशिश की थी। गैंगस्टर जठेड़ी पर 6 लाख का इनाम है। गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। वहीं जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। इसके ज्यादातर शूटर विदेश में हैं और विदेश में बैठकर शूटर इस गिरोह को चला रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी पर मकोका लगाया हुआ है और वो एक दशक से अपराध की दुनिया पर राज कर रहा है। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को जब 2012 में गिरफ्तार किया गया था तब वो 34 अलग अलग आपराधिक मामलों में वांटेड चल रहा था। वर्ष 2020 में हरियाणा पुलिस की हिरासत से भागने के बाद काला जठेड़ी ने राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मिंज उर्फ रानी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थाईलैंड में बैठकर गैंग चलाने वाला गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, कनाडा से गैंग ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराग और यूके से क्रिमिनल एक्टिविटी चला रहे गैंगस्टर मोंटी के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल अलायंस करके हाई प्रोफाइल एक्सटॉर्शन, इंटरस्टेट बूटलेगिंग स्पेशली इन ड्राई स्टेट्स, इलीगल फायर आर्म स्मगलिंग एंड लैंड ग्रैबिंग जैसे काले धंधे मिलकर करने लगे। इस गठबंधन ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आपराधिक दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पिछले 2 वर्षों में 20 से अधिक विरोधियों को मारकर अपने रास्ते से हटा दिया था। फिलहाल गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी दिल्ली के रॉबरी, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट आदि के 15 मामलों में वांटेड था। शाहदरा के जीटीबी अस्पताल से गैंगस्टर कुलदीप मान उर्फ फज्जा को पुलिस कस्टडी से भगाने का मास्टरमाइंड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ही था। लेकिन गैंगस्टर कुलदीप मान उर्फ फज्जा को उसके भागने के 3 दिनों के भीतर स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में मार गिराया गया था। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में 25 आपराधिक मामलों में वांटेड होने का अनुमान है। इन मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ रानी का किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्स साइज एक्ट वायलेशंस एंड चीटिंग जैसे अपराधों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। लेडी डॉन राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की बहुत खास थी, लेकिन जून 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की गिरफ्तारी पर राजस्थान पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा हुआ था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ रिवॉल्वर राजस्थान में नागौर, सीकर, डीडवाना के व्यापारी के बीच आतंक का पर्याय बनी हुई थी। कारोबारियों को डराने यह अपने पास AK-47 रखती थी। यह राजस्थान में 12 से अधिक आपराधिक वारदातों शामिल रही है। वर्तमान में राजस्थान के नागौर में दर्ज अपहरण, जबरन वसूली और गोलीबारी के 2 अलग-अलग मामलों में वांटेड चल रही है। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इंडिया से बाहर से बैठे गैंगस्टर सुबे गुज्जर, काला राणा, गोल्डी ब्रा और मोंटी के लिए इंडिया में ग्राउंड लेवल पर वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फंक्शनिंग कर रहे थे। इन्होंने अलायंस बनाकर नॉर्थ भारत के 4 राज्यों में आतंक का माहौल बना रखा था। 12-प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत गैंग के सदस्यों ने पुलिस फोर्सेस का ध्यान हटाने के लिए गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के भारत से भाग जाने की फर्जी खबर फैलाई। उसके बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सिख का रूप रखकर दाढ़ी और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। पुलिस से बचने के लिए लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी लोगों को गुमराह करने के लिए अपने आप को पति पत्नी बताने लगे। साथ ही पुलिस से बचने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। गैंग के सदस्यों से आपस में संपर्क के लिए कड़े प्रोटोकॉल तैयार किए हुए थे। स्पेशल सेल दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट पिछले 1.5 साल में विभिन्न अभियानों में 20 मोस्ट वांटेड क्रिमिनलों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
गिरफ्तार अपराधियों से गहन पूछताछ के बाद गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जैतरी को पकड़ने के लिए एक योजना तैयार की गई। स्पेशल सेल दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में एसीपी राहुल विक्रम की सुपरविजन में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विक्रम दहिया व संदीप देवास के नेतृत्व टीम ने गोअर से आइडेंटिफायर्स का पीछा करना शुरू कर दिया और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की खोज टीम को गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तक ले गई। टीम को आखिरकार सफलता हाथ लग गई। टीम के हाथ एक वीडियो फुटेज लगा जिसमें लेडी डॉन अनुराधा के साथ एक सिख पोशाक में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी था। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए टीम ने एक कोड ऑपरेशन D24 रखा। इस कोड का मतलब था कि क्रिमिनल पुलिस टीम से 24 घंटे आगे चल रहा। जैसे जैसे टीम क्रिमिनल के करीब होती जा रही थी, ऑपरेशन कोड भी D20, D16, D12 के क्रम में कम होता जा रहा था। फाइनली दिनांक 30 जुलाई को सरसावा टोल सहारनपुर यमुना नगर हाईवे से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से इम्पोर्टेड PX3 पिस्टल, वेपन और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी को दिल्ली लाया गया, संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और आगे की जाँच के लिए 14 दिनों के पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।